राम राम जी, नमस्ते। और सब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल में दोस्तों। अभी सोनी राम राम जी सभी को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। अभी सोनी एकदम स्वस्थ हो गई है आप सबकी दुआ से, जिसके लिए आप सभी का बारम्बार धन्यवाद। आप सबने दुआ की, भगवान ने स्वीकार की और देखो सभी सोनी एकदम मस्त हो गई। तो आज मस्त होते ही क्या लेकर आई है? ये लिया है आटा, है गेहूं का आटा। तो आटे में से लच्छेदार क्या बनाए? पराठे। पराठे तो देखो स्वस्थ होते ही पराठा खाने का मन कर रहा है, तो पराठे वैसे बना के आए डॉक्टर ने, इसको नहीं खाने देंगे, हम खाएंगे, अपने लिए बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कटोरी आटा, गेहूं का आटा है। हाँ, गेहूं का आटा। मैदा भी ले सकते हो आप। नहीं, गेहूं के आटे का बनाएंगे और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल। पानी कैसा लिया है? गरम ठंडा? नहीं, पानी तो मैंने गुनगुना लिया है, क्यों हमारा आटा अच्छा नहीं है। अच्छा, गुनगुना लिया है। आटा तो अच्छा है, आटे में क्या कमी है? नहीं, इसकी रोटी ना सही नहीं आती। अच्छा, तो हमारा गेहूं कड़क सही नहीं? रोटी हो जाती है, कड़क हो जाती है वो तो। गेहूं की कई सारी वैरायटी आती है, तो ये दूसरा गेहूं होगा इसलिए कड़क हो जाती है रोटी। लेकिन लेना है गेहूं का आटा, ये ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटे को गूंदना है। गुनगुना पानी डालने से आटे में क्या फायदा मिलता है? फायदा ये मतलब फटाचरा सा रहे तो आटा, तो गुनगुने तो अच्छा आ जाता है। गुनगुना से एकदम बढ़िया हो जाता है, मक्खन हाँ, जैसा है। हाँ, बिल्कुल मुलायम मक्खन जैसा। तो गुनगुना पानी इसलिए सही रहता है, आटे को एकदम बढ़िया बना देता है। ये देखिए दोस्तों, आप सबके सपोर्ट प्यार से सरसों का तेल लिया है। हाँ। एक कमेंट भी आया था, जो मम्मी ने लड्डू बनाए थे ना सरसों के तेल में, उसमें कमेंट आया था, भैया जी सरसों के तेल में तो बास आती है, आप कैसे खा लेते हो? तो हम बताना चाहेंगे कि सरसों के तेल में से कभी भी बास नहीं आती है, अगर आप डुप्लीकेट लेकर आओगे तो आएगी। हमारे खेत में होता है, हम किसान हैं, और जब अभी सरसों की खेती है, जब पक जाएगी तो अभी हम जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं है, करीब 15-20 दिन के बाद जाएंगे काटने के लिए, फिर आपको हम दिखाएंगे सरसों की हमारी खेती। और उसी को हम ले जाके मार्केट में मील पे ले जाते हैं, फिर तेल निकलवाते हैं अपने हाथों, अपनी आंखों के सामने, तो वो तेल को हम खाते हैं एकदम घी जैसा। अगर इसी तेल को हम गुड़ डाल के पका देते हैं तो कोई भी महक नहीं रहती है सरसों के तेल के अंदर, ली तो रहता ही है, स्वादिष्ट भी। अब हम 2 चम्मच डाल के थोड़ा सा और लगा देंगे आटा। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये वाला तेल पका हुआ है, तो इसका कलर देखिए आप, कितना बढ़िया कलर है, रिफाइंड जैसा कलर आ रहा है ना। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। थोड़ा सा तेल लगा के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और अभी 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम आटे को निकाल लेंगे बाहर और अब बनाएंगे लच्छेदार पराठे। थोड़ा सा और गूंद ले। 10 मिनट में आटा कितना बढ़िया हो गया, और हल्का हल्का हाथों और मार देंगे इसमें तो और बढ़िया हो जाएगा। अब हम लोई तोड़ेंगे इसके पराठा बनाने के लिए। हाँ। छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ। सोनी का तो आपको बताइए, बड़े बड़े पराठे बनाती है, बड़े बड़े। और अभी हम बेल लेंगे, एक लोई उठा के इसको बेलेंगे। इसमें लच्छा कहाँ है? अरे अभी बनना हुआ है। कहाँ से बनना है, किधर से बन रहा है, दिख रहा है दोस्तों आपको? मेरे को तो दिख नहीं रहा है अभी इसमें। अभी बनेगा तो ऐसा बोलना, तुम ऐसे क्यों बोल रही है अभी बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बनेगा। इस तरीके से प्यार से बेलेंगे, बिल्कुल चकरा की बराबर बेलेंगे। हाँ। और अभी हम इसको उठाएंगे और इसके नीचे हल्का सा घी लगा देंगे चकले पे, इससे ना नीचे भी थोड़ी सी हल्की सी चिकनाई हो जाएगी, बस ज्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का ही लगा लेंगे। और इसको फेर दो, पूरे पे फेर दो, वो तो फिर जाएगा, थोड़ा सा बेल लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी,
देखो तेल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंड में बना सकते हैं, लेकिन जब पराठा ही बना रहे हैं तो फिर घी में बनाएंगे तो और मज़ेदार बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। तो यहाँ पे घी की हम कंजूसी नहीं करेंगे, घी थोड़ा अच्छा ही लगेगा इसमें, जिससे इसके एक एक परत खुले, अच्छे से लगा देंगे। ब्रश है फिर भी हाथ से ही लगी रहेगी। अभी इसको हम ऐसे जैसे साड़ी की गरी मारते हैं ना, गरी मारते हैं, पटली मारते हैं, पटली ऐसे, बस उसी प्रकार से पराठे की पटली मार देंगे ऐसे। इस तरीके से, और इसको करीब आधा इंची का रखा है जो चौड़ाई में हम मोड़ रहे हैं, इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखो कितनी बढ़िया एकदम गरी सी आ रही है, और ये जो परत है ना, एक एक परत खुल जाएगा, और जब एक एक परत खुलता है तो इतना टेस्टी लगता है, एकदम कुरकुरा खस्ता बनता है, तो और खाने में टेस्टी लगता है। इस तरीके से ये देख सकते हैं, अभी पतला सा हो गया, अब इसको हम बढ़ाएंगे, थोड़ा खींचेंगे ऐसे लंबाई में, थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाएंगे। अभी इसको ऐसे हल्के हल्के दबा देंगे और खींच देंगे हल्का हल्का दोनों साइड से, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे ऐसे। अब हम इसको ऐसे, अब इसकी गुलाई कर देंगे। इसको ऐसे दबा दें, नीचे की साइड में दबा देंगे। अभी बोलोगे कि सोनी को बोलने दो, सोनी को मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये बोलती कम है, और मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये लच्छेदार पराठे बनाए हैं और खाए हैं, और फिलहाल भी बनाए हैं मैंने, देखो मेरे हाथ चिकने हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सूखा आटा डाल के बेल दें, इसको बेल देंगे, हल्के हल्के हाथ से बेलना है, ज्यादा ताकत भी नहीं लगाएंगे, यानी थोड़ा बस ऐसे। हाँ, अपना जितना बनता है पराठा उतना बढ़ जाए, क्योंकि ज्यादा जोर लगा के बेलेंगे ना तो इसके जो परत हैं वो चिपक जाएंगे आपस में, फिर वो मजा नहीं आएगा। सुनी ज्यादा मत घुमा के मार, बेलते समय ही परत खुल रहे हैं तो सिकने के बाद तो खुलने ही खुलने हैं। और ये देखो कितना बढ़िया पराठा बेल चुका है, और इसको अभी हम डाल देंगे तवे पर। गैस चालू नहीं की क्या? गैस ज्यादा हो गई तो बंद कर दी, गैस ज्यादा हो गई इसलिए बंद कर दी, क्योंकि मैंने पराठे बनाए इधर, ये देखिए ये मैंने बनाए दोस्तों, ये सोनी अपने काम में लगी थी नीचे, एक ये रहा लच्छेदार, अभी आपको दिखाएंगे। और अभी इसको हम पलट देंगे, हल्का सा ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, एकदम कड़क हो जाए ऐसे नहीं। ये देखिए अभी इस पर डालेंगे घी, ये क्या है काला काला? रोटी का, ये रोटी का टुकड़ा। ब्रश लगा दे दी सोनी, चम्मच से बन जाएगा, चम्मच से बन जाएगा। अब इसको पलट देंगे, रखो। अब इसके दूसरे साइड भी हम लगा देंगे घी, तो घी थोड़ा अच्छे तरीके से लगाएंगे, क्योंकि पराठा है, हेल्दी है, आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, चाय के साथ बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, झटपट बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा खाने में भी इसका स्वाद है। ऐसे हल्का हल्का दबा दें, हाँ, इसको सेकते समय ऐसे हल्के हल्के दबाते जाएंगे, एक ही बार में आप बनाओगे लच्छे खुलेंगे 100%। और आप बनाने के बाद कमेंट जरूर करना, और कब बना रहे हो ये भी हमको जरूर बता देना दोस्तों आज इस वीडियो में। अभी इसको हम पलट देंगे, सिक गया होगा शायद सुन, और इसको मीडियम गैस पे करना है, मीडियम और हाई पे सेकना है, शुरू में लो रखना है, अभी जैसे मीडियम कर दिया उसके बाद में हाई कर देंगे तो एकदम कड़क खस्ता सेकेगा। अभी फिलहाल हमने मीडियम कर दिया, और अभी इस पे घी और डालेंगे हम, जिससे एकदम बढ़िया सिके, मस्त दिखे। एक एक परत बढ़िया से पलट दिया, पलट दिया। अभी गैस को हम फुल रखेंगे, और ये देखो अभी सिक्के होता है तैयार झटपट, और इसके परत देख सकते हैं, एक एक परत खुल रहा है पहले से ही। हमने थोड़ा घी शुरू में ज़्यादा लगा लिया इसलिए, नहीं तो बनाने के बाद में खुलती हैं, जैसे अभी हमने ये वाले जो बनाए ना, तो ये देखो बनाने के बाद में अभी इनकी परत खुलेगी, आपको दिखाएंगे। पहले इसको सेकते हैं अच्छी तरह से, तो अभी ये सिक चुका है, और इसको अभी हम निकाल लेंगे, और एकदम बढ़िया लच्छेदार, ये देखो कितना बढ़िया सिक के तैयार, अभी हमारे पराठे बन के हो गए तैयार दोस्तों।
ये लीजिए, आप लोग खाइए पहले। हाँ आप लोग खाइए, थोड़ा ठंडा होना दीजिए पहले इसको, है ना। ये देखिए दोस्तों, लच्छेदार पराठे बनके हो गए तैयार। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे लच्छेदार पराठे ठंडे भी हो चुके हैं, तो अभी आपको हाथ में लेके दिखाऊं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया, और एक एक लच्छा इसका खुला हुआ देख सकते हैं। ये देखिए एक एक लच्छा देखिए, और कितना बढ़िया सिका है, एकदम क्रिस्पी। ये देखो, देख सकते हैं कितना बढ़िया है। आज की रेसिपी आप सभी को ये कैसी लगी? और हमारा राज इंतजार कर रहा है, तो अभी राज को ही हम सबसे पहले खिलाएंगे। तो अभी हमने ले लिए दोस्तों यहाँ पे चिल्ली सॉस, और आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सॉस के साथ या मीठी चटनी के साथ। तो अभी हम चटपटी के साथ एंजॉय करेंगे इनको, बच्चों को तो ऐसे ही खिला देंगे। आधा ले ले, आधा आधा अभी खा के देखो, फिर बताओ स्वाद कैसा है इसका, है ना। चुरपुरी नहीं लगे, थोड़ी थोड़ी सॉस खाई हो, वो चटनी है, चुरपुरी तो ना लग रही। कैसे लग रहे हैं खाए हुए में? अच्छे लग रहे हैं। और बिना सॉस के खा, बिना सॉस के ऐसे ही नॉन के बनाए हैं तो ताई ने, कैसे लग रहे हैं बता। अभी अंजू, अंजू चटनी के साथ खाएगी कि ऐसे ही खाएगी? चटनी के साथ। देखो अंजू ने तोड़ा है दूसरा हमारा जो पराठा है, उसमें भी कितने बढ़िया बढ़िया परत बन निकले हैं। सॉस के साथ ही बढ़िया लग रहा है राज? हाँ, वो रेड चिल्ली सॉस के साथ खा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्तों आप सब भी लच्छेदार पराठे आइए एंजॉय करते हैं, तो अभी हम भी खाते हैं और आप सभी को स्वाद भी बताएंगे। एकदम एक एक लच्छा देखने को मिलेगा आपको इसमें। ये देखो, इसमें से एक लच्छा लेंगे, मैं तो बीच वाला ले लिया है, थोड़ा सा ये लेंगे। ये क्या है ये देखो, आ जा खाएंगे, आ जा, खा ले खा ले, चल ले। ये आप भी खा लीजिए और हम भी खा लें। अरे लच्छेदार, आनंद आ गया। एक दो तीन चार पाँच, मेरे को तो बिना रेड चिल्ली के बढ़िया लग रहा है ये। नमक डाला है ना, मस्त आनंद आ गया दोस्तों, आनंद बहुत ही बढ़िया। क्या मानसू, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, खाओ। खत्म, बस इतने की बनाए, खत्म। आज की जो रेसिपी बनाई थी सभी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लगी। हिमांशु को भी बढ़िया लगी है, हिमांशु बढ़िया लगी? हाँ मस्त लगी। ये देखिए सभी एंजॉय कर रहे हैं, और लच्छेदार परांठे हमको तो बहुत पसंद आए, हम तो इनको सुबह नाश्ते में बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, और चाय के साथ भी एक बार एंजॉय करेंगे। बहुत मस्त लगे, बहुत ही ज़्यादा। और आप कब बना रहे हो ज़रूर बताना कमेंट। पसंद आई आप सभी को आज की हमारी रेसिपी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम, जय सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।